राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि अफ्रीका के नागरिकों को भारत में पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। हाउ कैन वी टॉलरेट इट, हाउ कैन वी इवन कॉम्प्रिहेंड इट, वी बिलीव इट दैट अफ्रीकन शुड नॉट फील सेफ इन इंडिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि अफ्रीकी नागरिकों पर हमलों में अगर कोई नस्ली बात सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं नस्लवाद का जो बात उठ रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, और हमारा देश तो वैसे इसके लिए नहीं जाने जाते, लेकिन अगर कहीं नस्लवाद का मामला आता है, तो रेशियल एंगल है कहीं, तो उसको बहुत ही कड़ी कार्रवाई किया जाए। इस बीच दिल्ली में मारे गए अफ्रीकी छात्र ओलिवर के परिवार वालों और दूसरे अफ्रीकी छात्रों ने आज विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। For Oliver, we'll be waiting for that. We'll see when the trial will start. What government, India government has promised. So if they for, if they they accomplish it, it will be a happy. It will be happy for the family and everyone. विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया कि विदेश सचिव एस जयशंकर ने अफ्रीकी छात्रों से कहा कि अफ्रीकी नागरिकों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। 20 मई को दिल्ली के वसंत कुंज में ओलिवर की हत्या के बाद अफ्रीकी नागरिकों पर हमले की घटनाओं में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में अफ्रीकी मूल के 6 नागरिकों पर एक ओला कैब ड्राइवर को पीटने का आरोप लगा है। इसमें 4 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। घटना सुबह 4 बजे की है। आरोपों के मुताबिक ड्राइवर ने जब 4 से ज्यादा लोगों को कैब में बिठाने का विरोध किया तो उसे बुरी तरह पीटा गया। धक्का मारा इन्हें, धक्का मार के फिर पीछे से आके मेरे बेंच मारा और फिर लात घूंसों से मेरे पूरे शरीर में बहुत चोट मारी है। पुलिस ने नूरुद्दीन की शिकायत पर एक लड़की को हिरासत में लिया है। 5 और आरोपियों की तलाश जारी है। 5 लोग भागे, मौके पे एक लेडी पकड़ी गई है, अभी उसका हम पता करा रहे हैं। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने के लिए बातचीत को ही इकलौता रास्ता बताया है। बासित ने कहा कि दोनों देशों के बीच युद्ध की बात सोचना सिवाय बेवकूफी के कुछ नहीं है। हमारे दोनों ममालिक के दरमियान अब जंग कोई ऑप्शन नहीं रहा। मेरे ख्याल में सिर्फ बेवकूफी लोग ही अब इस बात को सोच भी सकते हैं कि जंग हमारे दोनों ममालिक के दरमियान जो मसाइल हैं उसका हल है। हमें ये मान लेना चाहिए कि जो अमन है, जो पीस है, दैट इज इन आवर म्यूचुअल इंटरेस्ट। अब्दुल बासित ने ये दावा भी किया कि पठानकोट हमले की जांच को लेकर पाकिस्तान भारत का पूरा सहयोग कर रहा है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुंबई हमले के मामले में जकीउर रहमान लखवी समेत 7 आरोपियों और नवाज सरकार को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके लश्कर के आतंकवादियों की उस नाव की जांच कराने की मांग की गई है जिसका इस्तेमाल भारत पहुंचने के लिए किया गया था। ये नाव फिलहाल कराची में वहां के प्रशासन के कब्जे में है। लश्कर के 10 आतंकी कराची से ही नवंबर 2008 में मुंबई पहुंचे थे और 26/11 हमले को अंजाम दिया था। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के नए वीडियो में आतंकी सेना की वर्दी में हथियारों के साथ है। ये आतंकी भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में रिकॉर्ड किया गया है। ये वीडियो करीब 1 हफ्ते पुराना है। देश के खिलाफ काम करने वाले लोग समय समय में इस तरह का चीज करते रहते हैं, उसे आप लोग घबराने का बात नहीं है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर लंदन में बेनामी संपत्ति होने का दावा किया है। किरीट सोमैया ने केंद्र सरकार, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग को भी एक चिट्ठी लिखी है और लंदन में वाड्रा की संपत्ति की निष्कर्ष जांच की मांग की है। रॉबर्ट वाड्रा की कोई बेनामी प्रॉपर्टी संजय भंडारी आम डीलर के थ्रू लंदन में खरीदी गई है, उसका रिपेयरिंग मेंटेनेंस वाड्रा साहब करते हैं। कोयला घोटाले में आरोपी कांग्रेस नेता नवीन जिंदल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में अमरकोंडा मुर्गा दंगल मामले में आरोपी सुरेश सिंघल को सरकारी गवाह बनाने की मांग का समर्थन किया है। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में सुरेश सिंघल से हुई पूछताछ की जानकारी दी, उससे मिले अहम दस्तावेज भी दिखाए। सुरेश सिंघल को सरकारी गवाह बनाए जाने के मामले में अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। सुरेश सिंघल का दावा है कि उनके पास ऐसे दस्तावेज और जानकारी है जो आरोपियों को दोषी साबित करने में मददगार साबित हो सकते हैं। सुरेश सिंघल ने आरोप लगाया है कि गवाह बनने की पेशकश के बाद उन्हें कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल के करीबी सुशील मारू ने जान से मारने की धमकी दी। सुरेश सिंघल पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल की कंपनी JSPL के लिए काम करते रहे हैं।
इस मामले में नवीन जिंदल पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप है। आज नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा। कोर्ट ने अमरकोंडा मुर्गदंगल कोल ब्लॉक आवंटन केस में सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द किए जाने की जीएसपीएल की याचिका पर जल्द सुनवाई से मना कर दिया है। आरक्षण के लिए जाट समुदाय के दोबारा आंदोलन की धमकी को हरियाणा सरकार गंभीरता से ले रही है। हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आरक्षण के फैसले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की रोक के बाद अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति ने 5 जून से आंदोलन करने का ऐलान किया है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखने के लिए हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सब हमने मौजूद रखी हैं। हमारी बातचीत भी उन लोगों से चली है और उन्हें आश्वासन दिलाया है कि हम शांतिपूर्वक धरने करेंगे और शांतिपूर्वक अपनी बात को कहना, धरने देना ये समाज के किसी भी संगठन का अधिकार है, लोगों का अधिकार है, उसको हम छीन नहीं सकते हैं। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग पर फरवरी में जाट समुदाय ने आंदोलन किया था। इस दौरान हिंसा में 30 लोगों की मौत हुई थी। 29 मार्च को हरियाणा विधानसभा में जाट आरक्षण बिल पास हुआ था, जिसके तहत जाट समेत 6 जातियों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। हरियाणा सरकार के फैसले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा हरियाणा से राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर चंद्रा मंगलवार को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी और दूसरी पार्टियों के विधायकों ने डॉक्टर चंद्रा को समर्थन का भरोसा दिया है। हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटों में से 2 सीटों पर चुनाव होना है। राज्यसभा की खाली हुई 57 सीटों पर 11 जून को चुनाव है।